सो हे गाइस, क्या हाल है सभी का। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, एंड आज हम खेलेंगे स्काई ब्लॉक। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं हूँ इंडियन YT के माइनक्राफ्ट का सर्वर में, जिसका आईपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये रहा हमारा स्काई ब्लॉक, एंड आज हम बनाएंगे घर स्काई ब्लॉक में, या फिर हमारे आइलैंड को थोड़ा बढ़ा लेंगे। और ये मेरा पिंग का पता नहीं क्या दिक्कत है, 800 पिंग दिखा रहा है मेरे को। और ये जो स्काई ब्लॉक का ख़ास बात है कि आप अपना खुद का आइलैंड बना पाओगे स्काई ब्लॉक में। उधर आप अपना खुद का आइलैंड पे आप फ्लाई कर पाओगे। फ्लाई का परमिशन दिया गया है आपको, एंड मतलब आपको तो पता ही होगा कि स्काई ब्लॉक कैसे काम करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को इधर ही शुरू करते हैं। एंड मेरे को चाहिए भाई मेरा पिकेक्स किधर है। थोड़ा कॉबलस्टोन कलेक्ट करना होगा मेरे को, क्योंकि आज हम थोड़ा आइलैंड को एक्सपेंड करेंगे एंड एक अच्छा सा फार्म बनाएंगे। क्योंकि ये वाला फार्म मेरे को बेकार लग रहा है, ये वाला फार्म अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो डिफ़ॉल्ट बेसिक सा फार्म दिया गया है आइलैंड के तरफ से, पहले से दिया गया है, पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अभी पता नहीं कि वो कोई और है भाई, मेरे को कोल मिल गया। कोल को स्पॉन होने का चांस है 5%। और एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं कमेंट टाइप करूँ ईस्ट फ्लाई स्लैश ईस्ट फ्लाई, ठीक है, तो मतलब मैंने कमेंट को हाइड करके रखा है। मेरा साफ गोल से, रुको मैं इसको हटा देता हूँ फिर। इधर अभी मैं कमेंट टाइप करूँगा ईस्ट फ्लाई और मैं मेरे आइलैंड पे उड़ पाऊँगा। अच्छा, मेरा कमेंट पहले से इनेबल था, तो मतलब मेरे को फिर से देना पड़ेगा क्योंकि ऑफ हो गया फ्लाई। अभी देखो मैं डबल स्पेस दबाऊंगा तो मैं मेरे आइलैंड पे उड़ पाऊंगा, जो कि VIP बंदों के लिए है सर्वाइवल में, पर अब स्काई ब्लॉक पे आके उड़ पाएंगे। और ये मेरा जो आइलैंड है, ऊपर से देख लीजिए, मेरा आइलैंड है। और इस आइलैंड का एक कंट्रोल पैनल भी है, उसके लिए कमेंट है स्लैश ईस्ट पैनल। तो ये मेरा पैनल आ गया आइलैंड का, जैसे कि आप देख सकते हो। ईस का शॉर्ट फॉर्म होता है आइलैंड, या फिर आइलैंड का शॉर्ट फॉर्म ईज होता है, मैं गलत बोल दिया। तो जैसे कि ये मेरा आइलैंड है, और आइलैंड में मेंबर्स पे देखो शैडो फ्रेडी है और मैं हूँ, मतलब ये दोनों हम शैडो फ्रेडी, मैं लीडर हूँ मेरे आइलैंड का और शैडो फ्रेडी मेम्बर है। तो अब मैं अब यहाँ पर देखेंगे कि और क्या चीज़ है। तो आप अपने आइलैंड पे ऑलवेज डे ऑन कर सकते हो, मैं ऑफ को ऑफ कर रहा हूँ, अभी तो रात हो रहा है, अभी क्रीपर को भी ऑफ कर दिया। और बहुत चीज़ें आप देख लीजिए, मतलब आप अगर आओगे सर्वर पे स्काई ब्लॉक पे आने के बाद देखना, सही है। तो अभी तो मतलब मैं, अरे लावा पे गिर गया, अरे 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 पिकअक्स भी गया, अरे शिफ्ट 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 पिकअक्स इधर, हाँ आ गया आ गया। अरे भाई मैं तो डर गया कि लावा में चला गया। एंड यहाँ पर एक्चुअली शॉप भी है, मतलब आप शॉप जो है ना, वो शॉप रियल बंदे में सेट करते हैं, मतलब कोई बॉट नहीं। सर्वर में जो रियल बंदे होते हैं वो लोग अपना शॉप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऑक्शन में। स्लैश एज है उसका कमेंट, मैं स्लैश एज डालता हूँ। तो जैसे कि मैं स्लैश एज दिया कमेंट, तो यहाँ पर बंदे सब कुछ बिक रहा है, जैसे कि इसका कीमत होगा 200, और सेलर का नाम भी दे दिया और कितने टाइम के लिए बिक रहा है वो भी दे दिया। एंड मेरे को भी फूड चाहिए, पर कोई इधर फूड सेल नहीं कर रहा। पर अभी आइलैंड, मतलब अभी आइलैंड पे ऑनलाइन है 3 बंदे, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मेरे को फूड चाहिए तो शायद वो सेल पे लगा दे। रुको मैं चैट पे बोलता हूँ। तो जैसे कि मैं चैट पे बोल दिया एनी वन सेल फूड, तो अभी वो स्लैश एज में डाल देंगे फूड को। एंड इधर से मेरे को भी काफ़ी है शायद मेरे पास, सही है, इतना तो काफ़ी होगा। तो अभी भी किसी ने कुछ भी नहीं डाला शॉप पे, तो मेरे को फिर से बोलना होगा, तो मैंने फिर से बोल दिया। मेरे को फूड चाहिए, बहुत फूड चाहिए भाई, इतना मतलब 3 हार्ट से क्या ही होगा। तो अभी आइलैंड को एक्सपेंड करने का मतलब शुरू करते हैं, चलो।
अरे भाई बहुत दूर है। तो एक्चुअली अगर ये बॉर्डर आ गया ना, तो आप ये जो बॉर्डर आ गया देख लीजिए, ये बॉर्डर होने पे मतलब आइलैंड का आपका ख़त्म हो गया बॉर्डर, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप आइलैंड को अपग्रेड करेंगे तो इससे ज़्यादा हो बग जाएगा, मतलब 3 अपग्रेड लेवल जा सकता है। तो अगर आप आइलैंड को अपग्रेड करेंगे तो आपका लिमिट बढ़ जाएगा बॉर्डर का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका आइलैंड छोटा है तो आपको थोड़ा आइलैंड में ग्राइंड करना पड़ेगा, थोड़ा मनी वगैरह चाहिए आपको। अरे भाई ये सीधा मेरे सामने आके स्पॉन हुआ, मर गया बेचारा। तो आप पैसे कलेक्ट करके आइलैंड को ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ स्लैश ईस्ट पैनल डालो। वैसे तो इसका कमेंट भी है, पर मैं मतलब आसानी से बोल रहा हूँ। ये देखो इधर आना पड़ेगा इस गोल्ड पे, आइलैंड अपग्रेड, इधर क्लिक करा, उसके बाद इधर आया बॉर्डर, अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि मेरे को कोई नहीं है। नेक्स्ट लेवल मेरा 2, मेरे को 30,000 चाहिए। 30,000 पे मेरे को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लॉक मिलेगा बनाने के लिए, आइलैंड को बढ़ा देंगे फिर। एंड जैसे कि ये देखो किसी ने खाने को सेल करने को दिया, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट जाएंगे स्लैश वेयर मार्केट से। तो जैसे ही मैं वर्क मार्केट डाला, मैं मार्केट पे आ गया, और मेरे पास कुछ सेल करने के है कि नहीं, नहीं मेरे पास कुछ सेल करने के लिए नहीं है। तो वैसे मैं फिर से मेरे आइलैंड पे चले जाऊंगा स्लैश ISLANDI। एक्चुअली आप ISLANDI ना देने के लिए आप IS यूज़ कर सकते हो, जिसका शॉर्ट फॉर्म ही होता है वो। वैसे मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए इसको ख़रीदने के लिए, पर मेरे पास अभी क्या ही करे। अगर मैं कोल को सेल कर दूँ, अच्छा है, सही है, मतलब कोल सेल कर सकते हैं ना हम, या फिर नहीं। अरे भाई ये क्या लगा दिया मैंने, तो अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो पैसे के लिए मैं माइन भी दिखा देता हूँ आपको, माइन भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि माइन से आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं माइन से। तो आप क्या करेंगे, स्लैश वार्क लिखेंगे, स्लैश WORK। जैसे ही आप स्लैश वार्क लिखे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो इसको क्लिक करके आप माइनर का जॉब ले सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप माइनर का जॉब ले पाएंगे। तो मतलब माइन आप ऐसे भी कर पाएंगे बिना जॉब के, पर फिर भी इससे ज़्यादा पैसा आएंगे। और मैं इधर गो टू माइन पे क्लिक किया, मैं माइन पे आ गया। तो माइन पे क्या होता है कि आपको माइन पे इधर से पिकेक्स खरीदना होगा, वुडन पिकेक्स, उसके बाद पैसे कलेक्ट करके इधर आके आयरन पिकेक्स, फिर डायमंड पिकेक्स। और मार्केट का और आइलैंड का इन्वेंट्री अलग है, तो मार्केट में आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो मार्केट में अब मेरे पास ये आ गया आयरन पिकेक्स। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके आयरन माइन करूँगा। देखो ये बिड रॉक पे कन्वर्ट हो गया, अब ये 20 सेकंड या फिर 25 सेकंड बाद फिर से आयरन आ जाएगा। तो मैं तब तक के लिए थोड़ा कोल भी ले लेता हूँ, क्योंकि इधर मेरे को स्मेल्ट करके पैसे भी चाहिए, कुछ खाना खरीदना है मेरे को। पांच आयरन आ गया मेरे पास। अरे कोल किधर गया मेरा, कोल मेरा कोल शायद इधर ही आ गया। हाँ ये देखिए कोल आया नहीं था मेरे पास। अरे कोल आ जा भाई, ये क्या कर रहा है तू। देखिए इधर इधर बेडरॉक था, फिर से आ गया। मैं इसको कट करूँगा, इधर से इसको ब्रेक करके कलेक्ट करके लेंगे, रिप्लेनिश हो जाएगा कुछ देर बाद। एंड वैसे अभी तो मेरा माइनिंग का लेवल बहुत हाई हो गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा माइनिंग जॉब का। अरे भाई 69 लेवल हो गया मेरा माइनिंग का, और 3 लेवल ज़्यादा होगा तो मेरा माइनिंग का लेवल। अरे ये देखो ये मेरे सामने ही आयरन हो गया। अरे ये भी देखो ये भी आयरन हो गया, तो ये भी हो गया। देखो ये फेंस के पीछे क्या कर रहा है। तो 17, हाँ ये काफ़ी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 17 ओर है एंड 7 कोल है। तो इधर फार्नेस भी है, फार्नेस से अब ये रहा एक माइनर है इधर, माइनर का बॉस, इसको क्लिक करेंगे तो दिखाएगा वेलकम टू माइन। एंड इधर क्या होगा कि फार्नेस पे हम डाल देंगे हमारे आयरन को और कोल को,
स्मेल्ट करने के लिए, पर ध्यान रखिए कोई चोरी ना कर ले क्योंकि इधर चोरी हो सकते हैं। जैसे कि मैं गया, कोई आके एक्सेस कर लेगा, तो मतलब चोरी हो सकता है इधर। मेरे ख्याल से कोई है नहीं माइन पे, क्योंकि अभी तो भाई बहुत कम बंदे ऑनलाइन है, 3 ही बंदे ऑनलाइन है, और मेरा पिंग पता नहीं इतना हाई क्यों है, बाकी सबका पिंग सही है, मेरा हाई है पिंग। नेट का क्या दिक्कत है, 400 से कम हो ही नहीं रहा। अच्छा 300 हो गया पिंग मेरा, 200, 280, अरे भाई पिंग बहुत हाई है मेरा। एक ब्लॉक माइन कर रहा हूँ तो मेरे को भाई इतना ज़्यादा माइनिंग का लेवल हो गया, वैसे तो बढ़ा दे भाई, पर मतलब 3-4 ब्लॉक माइन करूँगा तो मेरे को पैसे भी ज़्यादा आएंगे। आका भाई प्लीज़ गिव मी 2 बकेट्स, आई फाइनली रीच 10K प्लीज़। पता नहीं क्या बोल रहा है कि मेरे को उसको 2 बकेट चाहिए, मेरे से पूछ रहा है भाई, मैं कैसे दूँ उसको। अगर ये सर्वाइवल होता तो मैं थोड़ा चीटिंग करके दे देता, पर इधर मैं नहीं दूंगा, ये स्काई ब्लॉक है, इधर मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूँगा, मैं पहले ही सोच लिया। तो जैसे कि आपके पास में आयरन होगा तो अब इसको चेस्ट दिखेगा इधर, और इधर आके आपको आयरन शॉप ढूंढना होगा। तो जैसे कि मेरे सामने रहा आयरन शॉप, और इसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इधर सेल हो जाएगा, राइट क्लिक मत करना तो आप खुद बाई कर लेंगे इधर से। तो जैसे कि सेल हो गया तो मैं क्या करूँगा कि बाकी का भी उठा लेंगे। अरे अरे खोल, हाँ खुल गया, अरे भाई पिंग 800 हो गया था, अभी आ गया, क्या बोल रहा है ये, मेरे से इसको वो चाहिए भाई। अरे भाई मैं किसको, मैं इसको क्यों खोल रहा हूँ, अरे भाई मैंने खरीद लिया इसको, शिट शिट, अरे बे हटो बे भाई, स्कैम भाई, स्कैम इन 200 बे, हट मेरा पैसा गया भाई, देखो 34 मनी हो गया, हटो, अरे भाई कितना दुख हो रहा है। तो भाई इसके लिए मैंने देखा क्या हुआ कि राइट क्लिक मत करना इधर, कि आपका पैसा जाएगा, इतनी देर से माइनिंग किया मेरे को पैसे आया, सब कुछ चले गए भाई, नाइस। बट एक उपाय है, हम बहुत जल्दी फिर पैसे कमा पाएंगे, तो इसके लिए हमको चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, डायमंड एंड एमरल्ड। डायमंड एंड एमरल्ड को लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा माइन के और अंदर, पर पहले मैं इसको उठा लेता हूँ, नहीं तो कोई और ले लेगा। अच्छा लेने दो, वैसे दो भी है, लेने ही दो उसको, क्या ही होगा। अच्छा मैं ही ले लेता हूँ, अरे भाई इसको भाई क्या चाहिए भाई, तकलीफ क्या है सचिन को, मेरे से भाई फ्री में मत लो रे, कुछ खेलो चीनू। तो मेरे ख्याल से अच्छा इधर भी है थोड़ा, इधर से भी माइन कर लेंगे आयरन और कोल, कोल मिल गया। एंड अभी हम थोड़ा और नीचे जाएंगे मॉडर्न के बाद, इस साइड पे कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ इस साइड पे कुछ है नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम जाएंगे दूसरे साइड, इस साइड पे जाएंगे, इधर एक डायमंड है, डायमंड, अरे भाई ये देखिए किसी का आयरन, मैं ले लूँगा। अच्छा ये जैसे कि हमको ये लाभा दिख गया तो इधर डायमंड मिल जाएगा हमको, इस साइड से आएंगे। एंड भाई देखिए इधर एक एमरल्ड है जो कि 1 मिनट के बाद शायद आ जाए, एंड डायमंड है, ये तो मिल गया, पर दिक्कत है कि वो वाला डायमंड नहीं मिलता, बहुत टफ है। अरे इधर लेपूजी था, और लैपिस लेपूजी क्या बोलते हैं उसको, वो था, उसका कीमत और ज़्यादा है, तो मैं जल्दी से जाऊँगा माइन पे इसको सेल करने के लिए। और डायमंड को लेंगे हाथ पे या फिर ऐसे ही रख दो, और डायमंड शॉप, ये रहा डायमंड शॉप, तो इधर मैं सेल कर दूंगा इसको, हो गया सेल। एंड एमरल्ड को भाई 50 मिलेगा मेरे को, अभी शायद मेरे पास हाँ 100 आ गया, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ से ज़्यादा आ गया, तो मैं शॉप से खाना बाई कर पाऊँगा, पर मैं इधर से बाई नहीं करूँगा क्योंकि इधर काम भी नहीं करेगा शायद। अच्छा, मैं OP में हूँ इसलिए काम कर रहा है। तो जैसे कि इसको इधर ही रखने दो, मैं अभी मैं मेरे आइलैंड पे जाऊंगा /IS करके, तो मैं IS करके आ गया मेरे आइलैंड पे, एंड मैं खाना खरीदूंगा।
अभी इसको मेलन को खरीद लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इधर कॉन्फर्म कर दो एंड आ गया हमारी इन्वेंट्री में मेलन। अभी हम इसको, अरे अरे अरे, क्राफ्टिंग टेबल ओपन हो गया। अभी इसको खा के हम हेल्थ फुल कर लेंगे एंड अभी हमारा फ्लाई भी ऑन है तो आइलैंड को हम एक्सपेंड करने के काम पे लग जाएंगे फिर से। अरे बॉर्डर के पास जाने से पूरा स्क्रीन रेड हो जाता है, ये थोड़ा दिक्कत है। अरे अरे गलत हो गया, ऐसे स्काई ब्लॉक में मज़ा आया बहुत। आप एक्चुअली दूसरों का आइलैंड विजिट भी कर पाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, को आपको आइलैंड पे वो करना होगा, मैं दिखाता हूँ अभी। अगर आप चाहते हो तो आइलैंड, आपके आइलैंड पे कोई और आ जाए मतलब आपके साथ खेलने के लिए, तो आप ऐसा साइन बोर्ड लगा दीजिए वेलकम जैसा, तो वो लोग आपके आइलैंड को विजिट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक कौन सा भी मतलब कोई सा भी बेसिक एक साइन बोर्ड आपको फ्री में मिल जाएगा आइलैंड पे लगा हुआ, उसको तोड़ के ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ऐसे ब्रैकेट के अंदर वेलकम लिख देना WELCOME, तो आप वो लोग आपके आइलैंड में विजिट कर पाएंगे और उसका कमेंट भी देख लीजिए आप। जैसे कि मैंने लिखा /IS visit, ये देखो ये मैं और वॉकर गेमिंग का आइलैंड पे आ गया। और इधर कौन है वॉकर, अच्छा यहाँ पर इंसेंट रवि है, तो मेरे को ख्याल से लग रहा है कि इंसेंट रवि वॉकर गेमिंग का आइलैंड का मेंबर है, मतलब ये दोनों एक साथ माइन कर रहा है। एंड इसके नीचे है क्या, अरे भाई इसके नीचे बहुत कुछ है। एंड इसका आइलैंड उतना कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसका आइलैंड पे। आप अगर आप वो लगा देंगे, अरे भाई इधर फार्म भी है, शीप क्रशर फार्म, ये फार्म मैंने देखा था यूट्यूब पे एक बार, उतना भी खास नहीं है पर फिर भी सही है। और चीनू के पास जाएंगे हम, चीनू का बेस विजिट करेंगे, उसका भी विजिट ऑन है मतलब ओपन है पब्लिक पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका आइलैंड सही है, इसका आइलैंड सही है भाई, ये देखो। अरे भाई इधर फूल भी है, पौधे भी है, शुगर के फार्म भी है, एक काउ क्रशर फार्म, ये ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से शिप से। और भाई इसका खुद अपना खुद का एक्सपी फार्म भी है, हम इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे शायद, नहीं इस आइलैंड इज प्रोटेक्टेड एरर। एंड इधर उसका कॉबलस्टोन जनरेटर भी है और यहाँ पर फुल तैयारी चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एन्चेंटमेंट बेस बनाने के लिए फुल तैयारी चल रहा है। तो अभी हम हमारे आइलैंड पे वापस जाएंगे। एंड अभी हम हमारे बेस पे आ गए। अरे भाई 18 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो भाई मेरे ख्याल से आज फर्स्ट डे है ना, तो मतलब बेसिक सा आपको नॉलेज देने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया, तो आज 20 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मतलब और 2 मिनट तक रिकॉर्ड करेंगे। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कोई ज़्यादा एडिटिंग ना करें, बस ऐसे ही डाल दूँगा, मतलब कुरान का एक व्लॉग बन जाएगा मेरा स्काई ब्लॉक में, मेरा डेली लाइफ, नो एडिटिंग कुछ भी नहीं, पूरा एकदम स्काई ब्लॉक में मेरा डेली लाइफ ऑफ आका बॉय इन स्काई ब्लॉक। अरे भाई लग, अरे शिट 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 क्या कर दिया, मेरे पास आ जा, हाँ आ गया आ गया आ गया। ध्यान रखना होगा इधर से नीचे गिर ना जाए ये ब्लॉक को मैं जब तोड़ूंगा। मेरे पास अभी, मेरे पास सिर्फ 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक को क्या करें, ये सही होगा। अरे मिल गया, व्हीट मिला व्हीट। अच्छा इधर हम और थोड़ा पानी दे सकते, मतलब और थोड़ा डार्ट लगा सकते हैं, मेरे पास डार्ट है एक्चुअली। इधर एक क्रीपर बास्ट हुआ था तब मेरा आइलैंड का वो ऑफ था, क्रीपर एक्सप्लोजन ऑफ था, मतलब आपका आइलैंड पे आप खुद अपने हिसाब से क्रीपर एक्सप्लोजन को ऑफ कर सकते हैं, तो ऑफ था इसलिए मेरा ख़त्म हो गया था फार्म, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अरे 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 इधर डार्ट देना होगा।
इधर हम व्हीट लगाएंगे, व्हीट और सैंड भी बहुत महंगा है इधर, बस 3 सैंड मिलेगा आपको। वही चाहिए मेरे को, वही मैं स्टीक उठा लूँगा एंड एक कोबल स्टोन, 3 तो हो जाएगा मेरे पास, काफ़ी है कोबल स्टोन। एंड एक वही बना लेंगे वही। अरे अरे नहीं 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 गलत हो गया, क्या रेसिपी क्या है? हाँ ये रहा, फार्मिंग आइटम आ गया। 11 मिनट रिकॉर्ड हो गया, हाँ करीब 11 मिनट रिकॉर्ड हो गया वीडियो। एंड इस व्हीट को लगा के वीडियो बंद कर देंगे फिर। लग गया, अभी चाहिए हमको थोड़ा बोन मील। वो नाइस, मेरे पास 9 बोन मील आ गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर मैंने फार्म को किया, मेरे पास आ गया बहुत सारा क्या बोलते हैं इसको, व्हीट एंड सीड्स। हम फिर से सीड्स को प्लेस कर देंगे। अरे इसके ऊपर मैं खड़े क्यों रहा, हो गया फिर से। चलो अभी हम ब्रेड बना पाएंगे, ब्रेड कम से कम एक तो ब्रेड बना पाएंगे, हमारा फास्ट ब्रेड, हमारा खुद का ब्रेड, किसी से ख़रीदा नहीं, हमारा खुद का फार्मिंग का ब्रेड। तो दोस्तों आज का वीडियो इधर ही बंद कर देंगे, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अरे चेस्ट खुल गया, नाइस। तो आपसे मिलेंगे फिर से एक और वीडियो पे। तो आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, और सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए ना एक बार, तो आप देख पाएंगे कि कैसा सर्वर है। बाय बाय।